जिम्मेदारी निभा रहे हैं, कुछ इस तरह से सफाई थी। मामला बढ़ता देख इस पर सियासी पारा राज्य में गर्म हो गया। देखिए पीडीपी इस पर क्या कह रही है। We are a civilization which is 5,000 year old civilization. So people know what the eating sensitivities are. So I think these things should be left to the people, and it's better for any state government. और इस वक्त और जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार जुड़ गए हैं, उनसे हम बात करेंगे। अश्विनी, तस्वीरें हमने देखी, यहाँ पर खुद विधायक साहब ये कह रहे हैं कि एक दूसरे की जिम्मेदारी होती है, मानवीय आधार पर की गई मदद है, लेकिन क्या कुछ इसके बाद उनकी पार्टी की तरफ से इस पर रिएक्शन आया? ये साफ जाहिर है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है प्रिंसिपल की बात करते हैं, विश्वास की बात करते हैं, और आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है एक छोटा सा नाला, ये दरियाव भी नहीं है, कोई नदी नहीं है, कोई छोटा नाला था, उसको क्रॉस करने के लिए एक आर्मी को जो है पीठ पर बैठा के ले जाया जा रहा है, वो एक पुलिस कांस्टेबल है, किस तरह से वो लेके जा। और किसान भगत जो है हाल ही में वो यहाँ से चुनाव पहली दफा लड़े हुए हैं, डॉक्टर हैं ये पेशे से, उन्होंने जो यहाँ के डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे पूर्व भालाचंद जो है तीन चार दफा इस इलाके में से जो है जीते थे, उनको हरा के आए हुए हैं। और यहाँ पर जो इलाका है, ये पूरा इलाका जो है फायरिंग का इलाका है, और अखनूर का जो सेक्टर है काफी एक्टिव रहा है, और बीजेपी जो है अभी तक चुप्पी रखे हुए है, कि उनका कहना है कि जिस तरह से विधायक बोल रहे हैं कि उन्होंने जो है, मैंने नहीं बोला उनको, वो अपने आप जो है उन्होंने उठाकर, और उनकी काफी हाइट भी है, जयपुर से ऊपर हाइट है, और किस तरह उठाया हुआ, किस कंडीशन में उठाया हुआ, क्योंकि कॉन्स्टेबल है, उसको नौकरी करनी है, और उसको वहां पर उठा के दूसरी तरफ ले जाया गया, जबकि पानी में बाकी लोग जो है क्रॉस कर रहे थे। जी शुक्रिया अश्विनी आपका इस जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, गुड़गांव में दो मासूम बच्चियों की कार में दम घुटने से मौत हो गई। हिमांशी और रितिका, ये दोनों बच्चियां खेल रही थी, लेकिन खेल खेल में कार की चाबी लेकर कार तक जा पहुंची और फिर कार में बैठ गई। इस दौरान ये कार लॉक हो गई। दोनों बच्चियों से इसके बाद कार का दरवाजा नहीं खुला, लॉक नहीं खुला, वो चिल्लाती रही, लेकिन घर से ये गाड़ी दूर थी, जिसकी वजह से किसी को पता नहीं चल पाया कि बच्चियां गाड़ी में बंद हो गई हैं। कई घंटों तक ये बच्चियां गाड़ी में बंद रही, जिसकी वजह से दम घुटने से दोनों बच्चियों की मौत हो गई। ये घटना गुड़गांव के कादरपुर गांव की है। हिमांशी की उम्र 4 साल है और रितिका की उम्र 2.5 साल थी। जब काफी देर तक ये बच्चियां घर नहीं लौटी तो माँ ने आसपास इन दोनों को ढूंढा, लेकिन दोनों मिली नहीं। घर के बाकी लोग भी इस दौरान हिमांशी और रितिका की तलाश में जुट गए। इसी दौरान लोगों की नजर कार पर पड़ी, जिसमें दोनों बच्चियां बेहोश दिखाई दी। दोनों को फौरन गाड़ी से बाहर निकाला गया, अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में दोनों बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया। इससे पहले भी कई घटनाएं इस तरह की सामने आई हैं, जिसमें छोटे बच्चे जो गाड़ी में इस तरह से लॉक हो जाते हैं, अगर उनके हाथ में कार की चाबी रह गई और उसके बाद दम घुटने से बच्चों की मौत हुई है। एक बार फिर ऐसी एक घटना गुड़गांव से सामने आई है। दोनों बच्चियां खेल खेल में गाड़ी तक पहुंची, गाड़ी के अंदर बैठी, लेकिन उसके बाद गाड़ी के दरवाजे उनसे लॉक हो गए और वक्त रहते कोई मदद इन दोनों बच्चियों को मिल नहीं पाई, जिसके बाद गाड़ी के अंदर ही दम घुटने से उनकी मौत हो गई। गुड़गांव की ये घटना आपको हम दिखा रहे हैं। और सुनिए इस घटना पर डॉक्टर्स का क्या कहना है। इसमें ये दो बच्चियां हैं कादरपुर गांव की, कल जो सूचना मिली थी कि दो बच्चियां कार के अंदर पड़ी मिली हैं, तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची। दो प्राइम ऑफिसर जो हालात से लगता है वो ये कि एक बच्ची की उम्र है 2 साल, एक बच्ची की उम्र है 4 साल, दोनों बहनें हैं आपस में, और ये दोनों एक इटियोस कार थी, उस कार के अंदर बैठ गई और कार लॉक हो गई अंदर से, और वो क्योंकि छोटी बच्चियाँ थी इनसे वो कार खुल नहीं पाई जैसा कि लग रहा है प्राइम ऑफिसर, और उससे ये दोनों बच्चियाँ अंदर दम घुटने से अंदर ही मौत हो गई इनकी। तो उसमें अभी पोस्टमार्टम आज करवाया जाएगा, तो का जो डेथ आने से बाकी सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगी, बाकी अभी कोई संदिग्ध कुछ नहीं लग रहा फिलहाल। ऑक्सीजन की कमी के कारण ऐसा हो सकता है, बाकी एग्जैक्ट इस केस के बारे में क्या है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऑक्सीजन की कमी, एक क्लोज चैम्बर में काफ़ी देर तक गाड़ी बंद रहे और उसके अंदर कोई बैठा रहे, तो संभव है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की उसके अंदर अधिकता हो जाए, ऐसा संभव हो सकता है। पूरी इस घटना के बारे में यहाँ पर पुलिस ऑफिसर और डॉक्टर जानकारी देते हुए, लेकिन जो प्राइम ऑफिसी जो जानकारी मिल पा रही है जांच के बाद, उसमें यही साफ आ पा रहा है कि बच्चे गाड़ी में लॉक हो गए थे और उसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हुई। ऐसे में हम भी आपसे गुजारिश करते हैं कि आप बच्चों का ख्याल रखें और ख़ासतौर पर ऐसी किसी भी लापरवाही से उन्हें दूर रखें। गाड़ी की चाबी बच्चों के हाथ में जाना
और इस तरह से उनका गाड़ी में मौजूद होना, गाड़ी का लॉक हो जाना, अगर थोड़ी सी एहतियात बरती जाती या बच्चों को सही वक्त पर मदद मिल पाती तो इन बच्चों की जान जरूर बच सकती थी। बढ़ते आगे, रुक करते अगली खबर का। आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। सोमनाथ भारती की पत्नी लिपिका ने सोमनाथ के खिलाफ द्वारका थाने में कल रात घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया। इस बारे में सोमनाथ भारती से बात की हमारी संवाददाता प्रमिला दीक्षित ने। मुझे कोई जानकारी नहीं है अभी तक। जब मुझे जानकारी मिलेगी, जब मेरे पास एफआईआर कॉपी आएगी, मुझे होगा उसमें क्या है। सर आप खुद वकील, आप कानून की जानकारी रखते हैं। 498 है, इसमें सेक्शन 503 है, 403, 307 जान से मारने की कोशिश, ये तमाम आरोप है, दहेज का भी है, तो इन सबको लेकर क्या कहना है आपका, आप क्या कीजिएगा। देखिए मुझे कोई जानकारी है नहीं, मेरी तो बातचीत चल रही है मेरी वाइफ से। मुझे पता नहीं इसमें क्या बीच में कैसे डेवलपमेंट हुआ है, क्या ये जानकारी तो आपको है कि जो सुसाइड वाला है केस, जो लॉकअप में सुसाइड हुआ है, नंदगिरी वाला जो केस है, उससे डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपका खुद का मामला भी तो एक लंबे वक्त से चल रहा था, ये तो कोई मामला है नहीं, अंदाजा नहीं था कि इस तरह का मामला दर्ज हो जाएगा जब वो महिला आयोग तक पहुंची है, ये सारे आरोप लगाए हैं आप पर। देखिए आरोप लगाना The biggest thing is to go insult from the loved one to the loved one. इसमें कानून इन्वॉल्व हो गया, महिला आयोग को पहुंच गई और ये तमाम चीजें हो रही हैं, मामला पब्लिक में आ गया। मेरा कर्म है ऐसा, कर्म होते हैं। ठीक है, तो जो भी इस पे आरोप लगे हैं उन आरोपों को झेलने के लिए फिर आप तैयार हैं? अब कर्म भुगतेंगे, अब कर्म है तो भुगतेंगे, क्या करेंगे। कर्म है आप मानते हैं भाई, ये तो हिंदू, हर हिंदू का कर्म है, कर्म थ्योरी है। जो आरोप लगे वैसे कर्म है, इसके लिए आपका जाएगा। देखिए उसमें तो कोई सच्चाई है नहीं, अब बाकी मेरी वाइफ जाने, उनसे जाके पूछूं। उन्होंने तो लगातार वो ये बातें कहती आई हैं, तो आपको अंदाजा नहीं था कि ये केस के तौर पर दर्ज हो जाएगा। मुझे